subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so you never miss an update. So what's up guys, this is Nivesh Saxena, I'm back once again. So guys, sorry, काफी time बाद एक video लेके आया हूँ. बीच में video मेरे आने बंद हो गए थे, उसका एक reason था, मैं काफी busy था अपने काम में. So चलिए आज हम देखते हैं, आज एक नई video लेके आया हूँ. सो गाइज, आज का मैं एक प्रोडक्ट एज एन कस्टमर रिव्यू देना चाह रहा हूँ. एज एन कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई मेरे को पैसा नहीं दे रहा है. मैं एक एज एन कस्टमर आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा जो कि केंट का साइक्लोनिक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो कि घर अपने घर के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये. और इसमें कई सारे आपको फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि वेट एंड ड्राई फंक्शन हैं, आप पानी को भी इसमें सक कर सकते हैं. और ब्लोअर फंक्शन है जो कि हवा मारता है. और हाई सक्शन मोटर है जो कि 1200 वाट की है, जो कि काफ़ी पावरफुल रहती है. सो गाइस, ऐसे कुछ देखने में है. ये रखा है हमारा वैक्यूम क्लीनर. और इस एज एन प्रोडक्ट मैं आपको बता दूँ इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं. और पिकअप ड्राई डस्ट एंड वेट स्पिल्स फ्रॉम द सरफेस, जो मैंने आपको भी बताया कि गीले फर्श को भी या फिर गीला कुछ गिर गया उसको भी खींच सकता है. 20 लीटर का इसका टैंक है ये वाला. और ये स्टेनलेस स्टील है जो कि काफ़ी सही रहता है. और भी कई सारे मॉडल्स आते हैं जिसमें प्लास्टिक के नीचे कंटेनर होते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद जब यूज़ करते रहेंगे तो वो चटक जाते हैं या टूट जाते हैं. सो गाइस, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने इसमें पाया है और इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें. और कुछ दिखने में ऐसा है हमारा. और वेट में भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है. 1200 वाट की इसमें मोटर है. वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है कैंट का, आप देख सकते हैं. सो इसको भी रखते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिली हैं और उसको हम देखते हैं किस किस यूज़ में आता है. सो पहला गाइस, हमारे को इसमें सक्शन पाइप मिला है जो कि लगभग 2 फुट के आसपास है. 2 फुट बहुत है. एक ये हमें पाइप मिल जाता है इसके साथ. जो कि ये आपके वेट और ड्राई कुछ भी आपका, जैसे फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है तो उसके लिए वैक्यूम है. इसमें ब्रश लगे हुए हैं और साथ में ही एक बटन दे रखा है. अगर इस बटन को दबाएंगे तो ये ब्रश बाहर आ जाएगा. तो ये काफ़ी सही है इसमें जो दिया हुआ है. इसको रखते हैं साइड में. सो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया है. जैसे घर में ऊपर कुछ टीवी वगैरह साफ करना है या कुछ करना है, काफ़ी ऊंचा है, तो ये गाइस एक एक्सटेंडर इसमें मिल जाता है जो एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसमें. और इसके आगे आप ये सारा सब कुछ लगा सकते हैं. ये अटैचमेंट है इसमें, ऐसे लग सकता है. और बाकी इसके पीछे आप अपने पाइप को अटैच कर लें तो ये एक्सटेंड हो जाएगा पाइप. सो ये भी काफ़ी बहुत बढ़िया चीज़ मिली हुई है इसमें. गाइस, एक ये मिला है हमारे को, ये है सिर्फ वैक्यूम. जो आपका बेड हो गया और अलमीराज के ऊपर कोई डस्ट है उसके लिए ये काफ़ी सही रहेगा. गाड़ी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. गाड़ी का कारपेट हो गया या कुछ भी हो गया उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसका अटैचमेंट दिया हुआ है इसके साथ. और गाइस, एक ये हमें मिला है सक्शन, जो कि काफ़ी काम का है. जो छोटे मोटे आपके कुछ सजाने वाले आइटम्स होते हैं, लाइक कुछ फैंसी आइटम्स हैं, या आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे को इसके ऊपर साफ़ करना है तो मैं इसके ऊपर पाइप लगाऊंगा और इसके ऐसे इसके ऊपर करूंगा तो ये सक कर लेगा सारा. और ब्रश भी है ताकि उसमें मिट्टी ना रहे और सब मिट्टी अंदर चली जाए. तो भाई, ये भी काफ़ी अच्छा है. तो भाई, लास्ट में हमारे को ये मिल जाता है एक कह सकते हैं इसको कि कॉर्नर्स या फिर छोटी जगह जो होती है, जैसे गाड़ी के बीच में या कुछ कहीं बेड के आसपास खींचना हो कुछ, तो ये हम पाइप में लगा सकते हैं. ऐसे लगा सकते हैं इसको. तो ये भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ है हमें इसमें अटैचमेंट. सो गाइस, बाकी
इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, बाकी जो भी है आप अगर इसको खरीदें परचेज करें तो इसको सबसे पहले पढ़ लें, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो सब आप पढ़ लें पहले इसको यूज़ करने से पहले। मैंने पढ़ लिया है, मैं इसी के बाद आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ। तो सर तो इसकी बात कर लेते हैं, ये आया कितने का है। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है जो कि मेरे को पड़ा है 5,810 रुपये का, जो कि ऑलमोस्ट ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं, जिसमें 800-900 रुपये को टैक्स लगा हुआ है। और ये बिल है इसका, आप देख सकते हैं। आप अमेजोन से परचेज करें और लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को। तो गाइज मेरी तरफ से ये बिल्कुल पास हो गया है और मैंने इसको अपने गाड़ी में यूज़ करके देखा है और कारपेट वगैरह सब क्लीन करके देखा है, पानी भी सब करके देखा था, पानी भी इसने काफ़ी अच्छे तरीके से खींचा है। तो गाइज बात कर लेते हैं इसकी। तो गाइज ये इसका वेंट है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया नहीं है, ये साथ में आता है और ये आपको इसके ऊपर लगाना पड़ता है ताकि जो आप मिट्टी खींच रहे हैं वो फॉर्म लगी हुई है इसमें, ताकि फॉर्म के थ्रू मिट्टी बाहर ना आए, मिट्टी इसी में रुक जाए। और हालांकि मिट्टी इसमें नीचे रहती है और सारे कंटेनर में आ जाती है, तो ये जो चीज़ है जो इसने दी है एक वेंट है, ये ज़रूरी होता है लगाना, इसको हम लगा देते हैं। तो गाइस इसको लगाने के बाद अब ये जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में हमारा पाइप लगेगा, जो पाइप हमने यहाँ पे देखा था। तो गाइस यहाँ ऐसे पाइप लगेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पाइप है, कोई ये नहीं कह सकते कि ये थर्ड क्लास क्वालिटी का है या कुछ सस्ते वाला है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है और मुझे लगता है लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, जैसे कि अभी मैंने लिया है और मेरे को काफ़ी पसंद आया है प्रोडक्ट। तो बात कर लेते हैं, मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है, इसको हटा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसके दो लॉक्स हैं, इसको ऊपर करेंगे और इसको ऊपर करेंगे तो ये आपका ऊपर से निकल के आ जाएगा। तो गाइस इसमें बाल्टी अलग हो गई है और ये आपकी मशीन है जो मेन आपका काम कर रही है सारा। तो गाइस नीचे जो ये हमारे को मिल जाता है ये फिल्टर जो कि वॉशेबल है बिल्कुल, आप फिक्र ना करें इस चीज़ की कि ये खींचेगा तो इसमें मिट्टी जमेगी, हाँ मिट्टी इसी में जमेगी और पानी भी इसी से निकल के बाहर आएगा। सो गाइस इसमें सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा, इसको आप नीचे से खोलेंगे और खोलने के बाद को बाहर निकाल लेंगे तो गाइस सारी मिट्टी इसमें आके जमती है और इसको आप वॉश कर सकते हैं, वॉश करके आप इसको बाहर सुखाने के लिए रख दें और ये सूख भी जाएगा और दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसकी लाइफ के बारे में मेरे को अभी तक नहीं पता है, काफ़ी मेरे को क्वालिटी के हिसाब से फिल्टर इसका मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये जल्दी से ख़राब होने वाला है। सो गाइस ये इसके नीचे का कुछ अंदर का पोर्शन है और यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन है जिसके ऊपर सिलिकॉन का एक ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ा हुआ है ताकि कोई करंट ना लग सके घर के लिए, और जैसे कई लोग यूज़ करना नहीं जानते हैं और जल्दी से दबा देते हैं तो करंट भी लग सकता है, तो इसके लिए ये दे रखा है सिलिकॉन कवर है ताकि करंट ना लगे। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रोडक्ट, और अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूंगा इस बारे में। इसको हम लगा देते हैं अपनी इस जगह पे। सो गाइस अगर आपको ब्लोअर यूज़ करना है, तो जहाँ ये लगा हुआ था इसकी जगह आप ये पाइप लगा सकते हैं, उसके साथ पाइप आया है ये वाला, ये पाइप आप इसके ऊपर ऐसे लगा दें, इसके ऊपर लगा देंगे तो ये आपका ब्लोअर का काम करेगा, हवा फेंकेगा इसमें से। चलिए सो गाइस प्रोडक्ट कैसा लगा आपको और
क्वालिटी कैसी लगी मेरे को क्वालिटी का काफ़ी सही लगा इसलिए मैंने प्रोडक्ट में एक रिव्यू बनाया। और गाइस ये मूवेबल भी है, आप इसको जमीन पे रख के आप इसको मूव भी कर सकते हैं, जिसके साथ चार व्हील्स आते हैं साथ में लगे हुए। और इस काफ़ी इजी है, अगर आप इधर उधर कहीं रूम में सफाई फाई कर रहे हैं तो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ये मूव होएगा, जिसमें नीचे सब दे रखा है व्हील्स वगैरह। सो गाइस ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू जो कि कैंट का था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, ताकि आपको भी हेल्प मिले और मैं आपके लिए ही कर रहा हूं ये सब। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Me down, cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Makes me down, cold inside like winter leaves that slowly leave the ground.
Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love, cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you.